राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजधानी के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र इलाके में माओवादी सेंट्रल कमेटी के मेंबर विजय आर्या के ठिकाने पर एनआईए छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी की यह टीम पटना, गया और औरंगाबाद में कई ठिकानों पर रेड कर रही है। इसके लिए कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया था। जानकारी के मुताबिक विजय आर्या के बेटे का पटना स्थित एजी कॉलोनी वाले आवास और बेटी शोभा देवी के औरंगाबाद स्थित महेश परासी गांव के साथ साथ गया के कोच थाना स्थित करवा गांव में भी छापेमारी जारी है। ज्ञात हो कि कुख्यात माओवादी विजय आर्या को रोहतास थाना क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी स्थित नौहट्टा जंगल से 5 महीने पहले रोहतास पुलिस के सहयोग से आईबी की स्पेशल टीम ने अरेस्ट किया था। फिलहाल वह पटना के बेउर जेल में बंद है। बताया जाता है कि विजय आर्या रोहतास नौहट्टा क्षेत्र में ही नक्सली संगठन को मजबूत बनाने में जुटा हुआ था। आर्या पर देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस ने कुल 14 केस दर्ज किए हैं। इनमें 3 तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 1-1 केस दर्ज हैं। विजय आर्या कितने बड़े नक्सली थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी पर 30 लाख रुपए के इनाम की घोषणा थी। सर।